मैम देखो ये वाले पोर्शन में पेन है, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर, छोड़ो, फिर से एक लंबा सांस लो मैम, छोड़ दो बाहर, मैम बॉडी लूज रखना, बिल्कुल लूज 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 बॉडी लूज, ब्रीथ ब्रीथ मैम ब्रीथ, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर, छोड़ो, हाँ फिर से एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर, छोड़ दो जी। यहाँ पेन आ रही है स्टर्नम के अंदर, ये वाला पोर्शन रहता है हमारा स्टर्नम का, और मैम ने ईसीजी भी कराई है और इसके लिए इको भी कराई है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ आया नहीं है। इनकी बेसिकली जो स्टर्नम है इसके अंदर एक तरफ रिप्स चली गई है, जिस वजह से इनको दिक्कत आ रही है, तो हम ये इसको रिप्स को शिफ्ट करेंगे। मैम थोड़ा सा बेंड करो आगे, जो आगे आगे आगे, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर, हाँ एक और मैम, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। मैम देखो ये पेन है, हिप्स के अंदर पेन है, मैम एक लंबा सांस लो, हाँ हाँ छोड़ो बाहर, फिर से मैम एक लंबा सांस लो, अभी हम लोग थोड़ा सा नेक का करेक्शन करेंगे मैम का। मैम रिलैक्स रिलैक्स, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर, हाँ फिर से मैम, मैम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद इन, हाँ ब्रीद आउट ब्रीद आउट, बस। मुझे ये नेक में ना बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, जिसकी वजह से कभी कभी मैं नेक रोल भी नहीं कर पाती, फोल्ड कुछ नहीं कर पाती, मतलब बहुत एक्सट्रीम पेन है। स्टिफनेस है आपको नेक में? हाँ एक्सट्रीम पेन है, मसल्स में स्वेलिंग रहती है क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, तो वो पेन पूरा लोअर बॉडी तक जाता है, लोअर बॉडी में जाता है आपकी बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती या बैठ नहीं सकती या कोई काम नहीं कर सकती, जी जी लोअर बॉडी बिल्कुल काम नहीं करता, लोअर बॉडी काम नहीं करती बिल्कुल। तो मतलब पेन किलर्स भी, मतलब वो इंजेक्शंस लेवल पे पेन, अच्छा इंजेक्शंस लगवाते हो पेन के लिए? हाँ। तो लोअर बैक में मैम जो पेन है वो आपकी लेग में ट्रेवल करता है कि लोकलाइज्ड पेन है आपको कमर में? ये मतलब मेरे ये यहाँ से लेके ये पूरा होता है, अच्छा पूरा नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ से लेके ये लेग पे तो नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, बट ये बैक से लेके यहाँ से पूरा अब्डोमेन तक और उधर तक पूरा नेक में पूरा रहता है। हाथ दोनों पीछे करिए मैम, हाथ दोनों पीछे, आप नीज बेंड करिए अपनी दोनों, हाँ टांगे मोड़िए दोनों घुटने, हाँ थोड़ी सी राइट लेग मैम की शॉर्ट है, और एक बारी मैम का हम लोग हिप चेक कर लेते हैं, कौन सा हिप का पोर्शन ऊपर है कौन सा नीचे है। तो ये वाला मैम का जो हिप का पोर्शन है ये पोस्टीरियर आया हुआ है, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मेरे पास सैक्रम है, जैसे ये हमारा हिप होता है, अब मैम के केस में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा हिप है इस तरफ का ऐसे पोस्टीरियर आ गया है और इस तरफ का हिप एंटीरियर है हमारा, उसकी वजह से जब मैम की ये वाली जो लेग है ये थोड़ी छोटी हो गई है और ये वाली लेग थोड़ी लंबी है, जब ये चल रही हैं तो इनकी एड़ी पे पूरा वजन नहीं आ रहा है क्योंकि एड़ी ज़मीन पे टच ही नहीं कर रही है इस लेग की, इसी पैर की एड़ी पे ये चल रही है। मैम एक बारी जरा आप सीधा लेटिए, ये हमारा स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होता है, शाटिका की कन्फर्मेशन करते हैं हम लोग इससे, मैम पंजा खींचिए अपनी तरफ, इससे हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को जो पेन है रेफर्ड पेन वो लेग में तो नहीं जा रहा है, तो मैम जा रहा है कोई पेन लेग में? हाँ, कुछ महसूस कर रही हैं? हाँ, पेन आ रहा है लेग में, ठीक हाँ, है जी। तो ये हम लोग इनका ये लेग पॉजिटिव है, SLR पॉजिटिव बोलेंगे इसको हम, फिर मैम का हम लोग दूसरी लेग पे भी टेस्ट कर लेते हैं। मैम इसमें कोई पेन स्टिफनेस ऊपर नहीं है, यहाँ है। नीचे की तरफ स्टिफनेस हाँ, फील कर हाँ, रहे हो हाँ, हाँ, ये आ रही है ना स्टिफनेस हाँ, आपको हाँ, हाँ, अभी मैम का इसके बाद हम लोग पंप हैंडल टेस्ट करेंगे, ये हम लोग स्लिप डिस्क के लिए करते हैं, जैसे कोई विटिब्रा आपस में रोटेट कर जाता है उसके लिए हम लोग ये करते हैं। अभी मैम का स्लिप डिस्क का भी टेस्ट कर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ऐसे हिप को, पेनफुल है मैम? तो स्लिप डिस्क का भी टेस्ट पॉजिटिव है, इनका फिगर ऑफ फोर बोलते हैं इसको हम, ये भी पॉजिटिव आ रहा है पंप हैंडल टेस्ट, तो ये देखिए ये भी दोनों तरफ पॉजिटिव है, इनके दोनों तरफ के विटिब्रा स्लिप डिस्क हुई पड़ी है इनको। अब हम इनका थोड़ा सा बिठा के टेस्ट करेंगे, मैम बैठिए एक बारी, आप बैठिए, दोनों लेग्स डाउन करिए, आप थोड़ा सा पीछे चलिए मैम, थोड़ा सा पीछे, हाँ मैम ऐसे दोनों हैंड्स बैक के पीछे करिए, दोनों हैंड्स, ये वाली लेग आपको स्ट्रेट रखनी है जी, हाँ थोड़ा सा हेड डाउन करना है आपको ऐसे, हाँ मैम देखो कोई पेन फील कर रहे हो? हाँ। आ रही है पेन? हम्म। मैम अब इस लेग को देखो, इसमें कोई पेन है आपको? हाँ, है मैम? हाँ, पेनफुल हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। तो मैम के ये सारे टेस्ट पॉजिटिव है। मैम एक बारी आप खड़े होइए जरा, मेरी तरफ पीठ फेस उधर, हाँ अब आप दोनों हाथों से, अभी मैम का मैं PSIS चेक करने जा रहा हूँ कि PSIS मैम का एक तरफ का ऊपर तो नहीं है मैम, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसको नीचे,
ये हमारी पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है जहाँ ये मैंने हाथ लगाया है। मैम अब दोनों थोड़ी सी टांगे जरा सी खोल लो, खोल लो, अब दोनों हाथ नीचे करो आप, दोनों हाथों से जरा अपने पैरों को टच करने की कोशिश करो। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा अंगूठा ऊपर चला गया, इनकी ये वाला हिप पोस्टीरियर है, ये PSIS इनका पॉजिटिव है। तो ये आप देख सकते हैं मैम, ये देखो ये पेन है आपको, है ना ये सारी पेन ऊपर अपर स्पाइन में, देखो ये पेन है, ये है ना सारी पेन, ठीक है। अब आप ऐसे आओ, अब आप हाथ पीछे चलो, थोड़े पीछे देखो, इस पोजीशन में पेन है आपको, यहाँ भी पेन हो रही है सारी। तो इनकी एक तो डिस्क भी प्रोट्रूड करके बाहर आ गई है और इनका पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन भी। अगर मैं आपको, मैम बैठ जाइए, मैं समझाता हूँ आपको, सर इधर आइए। देखिए मैम के केस में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा मैम को समझाऊंगा। मैम का एक तो ये वाला जो हिप है, ये इनका पोस्टीरियर आ गया है, ये वाला हिप इनका एंटीरियर आ गया है। जब ये वाला हिप इनका राइट वाला पोस्टीरियर आया है, तो हमारी बॉडी की एनाटॉमी कैसे चेंज होती है, ये हमारे वर्टिब्राज हैं, ये हमारी पीठ वाली साइड है, ये पीठ की साइड है, ये पेट की साइड है। तो मैम के केस में क्या हुआ है कि ये वाला वर्टिब्रा इस तरफ को रोटेट कर गया है और ऊपर के दोनों वर्टिब्राज मैम के इस तरफ को रोटेट कर गए हैं। जब ये दोनों वर्टिब्राज इधर को आ गए, ये वर्टिब्रा इधर को चला गया, तो दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जो कुशनिंग का काम करती है। ये डिस्क हमें जर्क से बचाती है, कोई हमें जो है कुशनिंग का काम करेगी, कोई चोट लगती है उससे बचाती है, दो वर्टिब्रा आपस में ना टकराए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हर्निएटेड डिस्क है। तो ये डिस्क नस पे प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये ऑब्चुलेटर फोरामेन है जहाँ से हमारी नर्व्स निकल के नीचे चली जाती हैं। तो ये पूरा एरिया पेशेंट का पेनफुल हो जाता है। तो इसमें डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करती है कि ये वर्टिब्रा आपका राइट में रोटेट हुआ, लेफ्ट में रोटेट हुआ, रोटेट हुआ तो कितने डिग्री रोटेट हुआ, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को बता पाते हैं कि भाई आपको इतना टाइम लगेगा करेक्शन के लिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, फ़ोन पे लोग पूछते हैं सर कितना टाइम लगेगा, कब ठीक होएंगे। देखिए जब तक हम लोग चेक नहीं करेंगे, आप लोगों ने MRI एक्सरे कराया हुआ है, लेकिन MRI हमें केवल इतना ही बताता है किस लेवल पे डिस्क बल्ज है। MRI हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रा नहीं बताता, किस तरफ को वर्टिब्रा डिस्प्लेस्ड हैं, किस तरफ को उनका एंगुलेशन है। वो हम लोग नर्वोस्कोप एक टूल होता है जो एक इंटरनेशनल टूल है, FDA अप्रूव्ड है, उसी से हम डिफ्लेक्शन ऑफ देख सकते हैं कि किस तरफ को वर्टिब्राज हमारे रोटेट हो गए हैं। और सेकेंडली हमें जो है इसके अंदर तभी पता चल पाएगा जब हम एक्सरे हमें से बताएगा इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस कितनी कम हो गई है, दो वर्टिब्रा के बीच में गैप कितना कम हो गया है। तो एक्सरे MRI से हमारा हल नहीं होता है। आप लोग अपनी रिपोर्ट्स भेजते हो, मेरे मोबाइल की मेमोरी डेली फुल हो जाती है, इतनी ज़्यादा पूरी इंडिया से रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन मैं उसको आंसर इसलिए नहीं कर पाता फ़ोन पे क्योंकि मुझे एंगुलेशन वर्टिब्राज की नहीं पता चलती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस ना पूछें जब तक आपको फिजिकली मैं एग्जामिन नहीं करूँगा। जैसे मैंने मैम को भी एग्जामिन किया है, अब मैं इनको एग्जैक्टली बता सकता हूँ मैम को कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, एक सेशन में ठीक होंगी या मल्टीपल सेशंस लगेंगे। ये ट्रीटमेंट में कोई चीर फाड़ नहीं की जाती, कोई सर्जरी नहीं की जाती, कोई किसी किस्म की दवाई नहीं दी जाती। अब मैं मैम का आपको पूरा कायरोप्रैक्टिक सेशन दिखाने जा रहा हूँ। मैम एक बारी आप लेटिए। मुझे जब ये बैक का प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने अभी अपने थेरेपिस्ट को दिखाया था जिसने मुझे थेरेपी करी है, तो उन्होंने मेरे को सर्वाइकल तो बोला ही है और साथ में बैक में भी उन्होंने बोला है कि इतनी स्टिफनेस है, आपके मसल्स एकदम स्वेल हो रखे हैं, वो टच करने पे भी फील होता है कि आपके मसल्स बहुत ज्यादा स्वेल है, पूरे स्वेल है आपके मसल्स। कोई नहीं मैम, एक बार आप लेटिए। मैम को सारा नेक की वजह से पूरा चेस्ट में भी पेन जा रहा है, उनकी पूरी रिब्स भी डिसलोकेटेड हो गई हैं। तो अभी हम स्टर्नम का भी करेक्शन करेंगे। मैम पहले आप सीधा लेट जाइए, सीधा सीधा से। सबसे पहले मैम की हम लोग नेक चेक कर लेते हैं, नेक की क्या पोजीशन है। मैम ये पेन है ना सारे? हाँ। अभी हम लोग थोड़ा सा नेक का करेक्शन करेंगे मैम का। मैम रिलैक्स रिलैक्स, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर, फिर से मैम मैम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद इन, हाँ ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट, बस। मैम ये वाला हाथ आप गर्दन के नीचे करो, मैम एक लंबा सांस लीजिए, आप छोड़िए मैम, बस। मैम अब आप थोड़ा सा इस तरफ को आओ जरा, नहीं सीधा ही लेटना आपने, खबर नहीं लेनी, इधर को थोड़ा नीचे जाओ थोड़ा। अब आप ये वाला हाथ अपना इधर रखो, ये वाला हाथ इधर रखो ऐसे। हाँ अब आप थोड़ा सा उठो, एक बार उठो। अब आप टर्न करो इस तरफ को, नेक थोड़ी लूज, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखना, एक लंबा सांस लो मैम, छोड़ो बॉडी लूज लूज, बॉडी लूज, ब्रीथ, सांस लो मुँह खोल के,
हाँ बॉडी लूज कर दो लेकिन ठीक हो यू फाइन यस खुला ये वाली लेग मैम की छोटी है इसको करेक्ट करने जा रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी हील जमीन पे टच ही नहीं कर रही है आओ आओ रिलैक्स आओ मैम रिलैक्स करिए हाँ ये वाला लेग पूरी मेरे ऊपर पूरी ऊपर रखो एक लंबा सांस लो छोड़ो बाहर आओ आओ, आओ, आओ। अब ये वाला हाथ आपने गर्दन के नीचे करना है ऐसे। हाँ, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। आओ। हाँ, बहुत बढ़िया। बस ठीक हो? थोड़ा ऊपर चलो बाबा। करवट लो मेरी तरफ को। मैम, ये वाली लेग आपने पूरी स्ट्रेट रखनी है नीचे वाली, ऊपर वाली मोड़ लो। ये वाला हाथ मुझे दिखाओ पकड़ो दोनों हाथों में हाथ ऐसे इधर देखो बॉडी बिल्कुल लूज रखना एक लंबा सांस लो मैम छोड़ो बाहर अब आप दूसरी तरफ को ऐसे पकड़ो हाँ इधर देखो आप बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखना अपनी एक लंबा सांस लो छोड़ो बाहर ठीक हो लूज बॉडी लूज मैम मैम ब्रीथ थोड़ी एल्बो क्लोज करो अपने हाँ एक लंबा सांस लो छोड़ो बाहर आओ ठीक हो हाँ अब आप उल्टा लेटो एक बार फेस डाउन उल्टा लेटना है आपको हाथ दोनों पीछे जस्ट रिलैक्स ये वाला पोर्शन तो आपका काम ही नहीं कर रहा क्योंकि इतनी स्टिफनेस है इस पोर्शन में पूरा स्टिफ हुआ पड़ा ये वाले सारे वर्टिब्रा या पेन है ना आपको हाँ हाँ एक लंबा सांस लो जरा छोड़ो बाहर आओ फिर से लंबा सांस लो छोड़ो बाहर आओ फिर से एक लंबा सांस लो छोड़ो बाहर आओ वेरी गुड रिलैक्स रखना नेक को बिल्कुल रिलैक्स एक लंबा सांस लो आओ छोड़ो बाहर बस फिर से एक लंबा सांस लो छोड़ो बाहर आओ मैम फिर से एक लंबा सांस लो छोड़ो बाहर आओ मैम फिर से एक लंबा सांस लो छोड़ो बाहर छोड़ो इधर इस जगह पे आ रहा है पेन हाँ, स्टर्नम में होती आपने है, कहा था मैंने ईसीजी कराई है ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आए लेकिन मेरे को पेन है हाँ, मैम को पेन इस वजह से है कि इनकी जो रिब्स है एक तरफ को शिफ्ट कर गई हैं अब इनका हम स्टर्नम का करेक्शन करने दिखाने जा रहे हैं आपको मैम दोनों हाथ गर्दन के पीछे करो ऐसे हाँ बॉडी बिल्कुल लूज रखना लूज एक लंबा सांस लो छोड़ो बाहर थोड़ा सा बॉडी लीन करो आगे की तरफ जाओ आगे की तरफ छुपो फिर से एक लंबा सांस लो छोड़ो बस अब आप एक बारी खड़े हो इधर मेरी तरफ पीठ करो हाँ बॉडी बिल्कुल लीन करना टाइट मत रखना बॉडी बिल्कुल भी ऐसे मेरे हाथ के ऊपर हाथ हाथ छोड़ना नहीं हाँ पूरा बॉडी वेट मेरे ऊपर छोड़ो हाँ छोड़ो मेरे ऊपर पूरा बॉडी वेट ब्रीद इन हाँ ब्रीद आउट ठीक हो कंफर्टेबल हो थोड़ा चल के देखो कैसा लग रहा है कुछ बॉडी रिलैक्स हुई कि नहीं हुई थोड़ा चल के देखो तो मैम ये पेन कब से था आपको कैसे इतना पेन आया आपको थोड़ा सा प्लीज़ बताइए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया में इस पेन से सफ़र कर रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा आपका फीडबैक मिलेगा क्योंकि लोग सर्जरी हर उम्र का आदमी ऑपरेशन नहीं करा सकता हर उम्र का आदमी दवाइयाँ नहीं खा सकता क्योंकि दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं लिवर किडनियाँ लोगों की ख़राब हो रही हैं पेन किलर्स खा के नर्व टॉनिक्स खा के नर्व की पेन किलर्स खा के थोड़ा सा प्लीज़ बताइए क्योंकि आप आई हैं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा क्या आप लोगों को बताना चाहेंगी थोड़ा सा बेसिकली आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट तो हमारे फील्ड में
ऐसा होता है कि हमें रेस्ट नहीं मिलता जब हमारा लगातार बैक टू बैक वेडिंग सीजन होता है, तो लगातार बैक टू बैक हम काम करने की वजह से रेस्ट नहीं मिलता. एंड हमारा काम है कि हमें खड़े होके मेकअप करना है, हमारी बॉडी हाफ बेंड होती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत पहले, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 2-3 ईयर्स, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो है ही, और मेरा लोअर बैक तो बिल्कुल ही, जो मेरे थेरेपिस्ट थे उन्होंने बोला था इतना स्वेलिंग है कि अगर आप थेरेपी नहीं लोगे तो 2-3 साल आप काम कर पाओगे, उसके बाद आपको घर बैठना पड़ेगा, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते.